हैं? कहाँ से आ रहे हो? पहचानना पड़ी क्या? ये देखो, देख लो भैया, रश्मि का चेहरा है। क्या खा रहे हो रश्मि? चना का साग, चावल, लकड़ी का चावल, अंडू का की। अच्छा, बढ़िया काम कर दिया, पक्का काम कर दिया। चना को साग खोट रहे हैं। दोस्तों, रात हो गई है और काफ़ी समय हो गया रात का, और मैं और रश्मि खा रहे हैं खाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आपका स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही यूनिक और खास होने वाला, तो आप ब्लॉग के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, आज जो ब्लॉग में खूब मस्ती करेंगे, खूब एंटरटेनमेंट करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप ब्लॉग के अंत तक बने रहना और अपने रिलेटिव, यार दोस्त और पड़ोसियों को कर देना शेयर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। दोस्तों, रात हो गई है और काफ़ी समय हो गया रात का, और मैं और रश्मि खा रहे हैं खाना। हमने बनाई है टमाटर की चटनी, हमने नहीं बल्कि जो है रश्मि ने बनाई है। मेरे से तो खैर ना बनने की, क्योंकि रोटी वोटी वगैरह मेरे से थोड़ा कम आता है। अगर दो लोग हों या तीन लोग हों, एक रोटी चलाने वाला होना चाहिए, सेक मैं दूंगा, और सब्जी थोड़ा कम बनती है मेरे से। लोग हाँ, वो देख रहे हैं बेचारा, उसको भी घेरेंगे खाना। और डाल दी रोटी। हाँ, अगर जो है एक लाउड स्पीकर बज रहा भैया, तो उन्होंने जो है वही 75 वाला वही कमाल कर दिया है। कैसी लगी चटनी? मेरे को तो सही लग रही है, पता नहीं कैसी लगेगी। रश्मि, तेल बहुत गिरती है रश्मि, बिकट तेल खाती है। पतेली में समझ में नहीं आया कितना तेल पड़ गया, ज्यादा ही पड़ गया, बहुत ज्यादा ओवर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो भैया आप लोग भी आ जाओ खा लो। खट्टी मीठी लग रही ना मामा? मैं थोड़ा सा, एक फर्क हो जाता है मेरी भाषा में और रश्मि की भाषा में, तो ऐसे समझ लो दो कॉमन भाषाएं मिलकर के जो है ये ब्लॉग बन रहा है। मेरी भाषा अलग मिलेगी और रश्मि की थोड़ी सी अलग है, तो दो भाषाएं मिलती हैं मेरे ब्लॉग में देखने के लिए। हाँ, तो इस भाषा का नाम दिया है रश्मि ने मामा भांजी की भाषा। तो ठीक है दोस्तों, खाना खा लेते हैं, रात का समय, और हम दिन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे तो आपको दिखाएंगे। क्या कर रही हो रश्मि? चना को साग खोट रहे हैं, यानी कि तोड़ रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर लग रहा है ये चना, और हाँ दोस्तों, इधर तोड़ने हैं दीदी साग। आज बनेगा साग। तुमने खाया साग? मैंने खूब खाया, मगर हमारे यहाँ पर चने का नहीं बनाते हैं। अच्छा, चने का नहीं बनाते हैं, उसका बनाते हैं बथुए का, पालक का, और अच्छा सरसों के पत्ते गेर लेते हैं उसमें। दोस्तों, यहाँ पर जो है बॉबी ने बना दी है अपनी दीवार लकड़ियों की, ताकि सांड वांड इसके अंदर न पड़े, और सामने बना दिया गेट। तो ये जो है लकड़ियों काट के लेकर था, कुल्हाड़ी रखी है यहाँ पे ये पास में, और इसको जो है मतलब लंबी लंबी खड़ी करके वर्टिकल टाइप में जो है इनको बांध रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, बैक कैमरे से करके दिखाता हूँ। क्या बना रहे हो ये? क्या बना रहे हो? सांड में घुसे हैं लकड़ी का ये? अंडू का की। अच्छा, बढ़िया काम कर दिया, पक्का काम कर दिया बिल्कुल ने। तो दोस्तों, खाना बन गया है और अब जो है हम खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी आ जाओ। दीदी ने जो है चने का साग बनाया है और फुलके हैं, चावल भी बनाए हैं, चावल मैं अभी करके लेकर नहीं आया हूँ। तो खाना खा रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ। और भूख लग रही थी भैया बहुत तेज़ वाली, काफ़ी समय से जो है इंतजार कर रहे थे कब मिले खाना, कब मिले। तो पहले नहाया और नहाने के बाद जो है अब खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है चने का साग जो बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है, तो ये अगर आप लोग होते तो हम आपको भी खिलवाते। और सामने जो है दो चिरकुट भी खा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। हंसी दिला दी पहले ही, क्योंकि मैंने जब चिरकुट बोला तो हंस गए। अभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से करके। दोस्तों, तरीका देख रहे हो, बिल्कुल लाइन वार बैठे हैं, जैसे दावत चलती है ना। ये देखिए, ये बेसब्र होकर खा रही है बिल्कुल। क्या खा रहे हो रश्मि? चना का साग, चावल। चावल, और बॉबी तुम? देख रहे ना कुत्ता, हम मक्के की रोटी, सरसों का साग, तुम मेरा बेटा, मैं तेरा बाप। ओ सारी बोल दी उन्होंने, तो ठीक है बेटे। तो भैया सुन लो इसके डायलॉग बहुत तगड़े मारता है ये। तो ठीक है दोस्तों, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और नया। दोस्तों, दिन के बज गए 2, और इस समय जो है हम खाना पीना खा के और बैठ गए यहाँ पे आराम फरमाने। और अभी जो है मतलब मैं अड्डे पे घूमने चले गया था किसी काम से, तो मैंने आकर देखा यहाँ पर एक चीज़। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं बड़े नेस्ती हैं, ना तो दोपहर देखें, ना दिन देखें, ना रात देखें, कुछ नहीं देखते, बस सोना सोना सोना।
तो ये मुझे बोलती रहती है रश्मि, और आज मैं रश्मि को दिखाता हूँ। ये समय हो जाए 2 बजे, दिन के 2 बज रहे हैं और ये अभी भी सो रही है। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से करके। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दिन के जो है 2 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रही हैं। अपना काम भूल गई हैं, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, ये काम भूल गई और बस सोना ही सोना। खाना खाने के बाद सोने पे लगी पड़ी है। कहा था मैंने कि कपड़े धो दे, अर्श ने कपड़े भी नहीं धोए अभी। ये देखो, देख लो भैया रश्मि का चेहरा है। दिन के 2 बज रहे हैं, 2, फोन भी जो है दबा पड़ा है इसके नीचे, चाहे फूट जाए या कुछ भी हो जाए। सो जाओ, अभी दिन ना निकला। सो जाओ बेटा। गुड नाइट। देखो ये देखिए, दोस्तों ये जा रहा है गंगा स्नान। इधर से मिट्टी लेकर के आ रहा था, पानी पीने के लिए गया है, और नल पे है सामने, अभी आएगा लौट करके। कहाँ से आ रहे हो? पहचानना पड़ी? अच्छा, क्या ले गए हो? मिट्टी ले गए हो? बढ़िया दीदी तो है ना यहाँ पर। आँख में चोट लग गई, लाल लाल होता रही है। कैसे लग गई? कुछ लग गया क्या इसमें? ड्रॉप ले लेना, ड्रॉप गिरवा लियो, ठीक है? और बढ़िया, ठंड वंड तो नहीं लग रही? अरे हाँ, इसमें तुन के भरवाया, इसमें आँख धो लेना पानी से, बढ़िया धो लेना आँख। और क्या हो रहा? चलोगे मेरे साथ? मेरे साथ चलोगे? क्या नाम है आपका? नाम बता दो एक बार अपना। गंगा शरण है? अच्छा, गट्टा उठवाऊँ? उठा लोगे? हैं, मना कर रहा हूँ, अपना अकेला उठा लूँगा। ये कह रहा अकेला उठा लूँगा मैं। उठाइयो, उठा लोगे अकेले? उठाओ, मट्टी है भैया, वजन बहुत होगा। उठा दी कैसे? उठा दी उसकी बारी, मामा उठवाने जा रहे। ए भैया लो उठाओ। ए भैया साइकिल ले 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 हां ए भैया साइकिल तो ले ले। और छोड़ दे दी बात, छोड़ या कोई बहुत बजाना भाई।